की है, सुबह हो चुकी है, सब लोग आरती कर लिए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए, अब नदी पार करेंगे और वाली नदी फिर से आज हमें मिलेगी जहाँ पे आधा पानी रहता है। चल चल के पार करते हैं नदी और बैक कैमरे दिखाता हूँ। मनु अनुपम एकदम बढ़िया विद्वत तैयार हो गए हैं, आ रहे हैं इधर। देखिए इधर भी सब लोग हैं। हाँ बोलो, हाय बाम बोल बाम। ये देखो लस्ती हम, हाँ कावर उठा लेते तब आपको मिलते हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? सुखी बता रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग अपनी कावर उठा लिए हैं, नहा धो के एकदम विधवत पूजा करके अब आगे के लिए निकल रहे हैं। आपको नदी दिखाएंगे जहाँ पे मकई खाने को मिलता है बढ़िया बढ़िया, और उसके बाद आज दिन में आपको हम रसगुल्ला पहाड़ पे भी घुमा देंगे जहाँ पे छोटे छोटे रसगुल्ला अलग अलग चीजें मिलती खाने को, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए हम लोग कुमार सार नदी में पहुँच गए हैं, अभी बैक कैमरे से दिखाते हैं। डीजे बहुत तेज बज रहा है, कॉपीराइट आने के चांसेस ज्यादा है। देखिए हम लोग कुमार सार नदी में पहुँच गए हैं। बोल बम बोल बम बोल बम। ये देखिए हम लोग नदी के पास पहुंच गए हैं और इस जाल पानी अच्छा खासा है। देखिए ये नदी में भी सारे दुकान लगे हैं समोसा जलेबी के, और पानी हम लोग को देखिए कितना भर गया है। ये बम जी देखिए पानी कितना भर गया है नदी में इस बार। ये देखिए पानी पूरा भर गया है कुमार सार नदी में और हम लोग इसको क्रॉस करने वाले हैं। उधर सन्नी बम है, बम जी ए बम जी देखिए पानी कितना हो गया है, बहुत पानी है। देखिए इनके कमर तक पानी भर गया है और वो देखिए सब लोग भर गए हैं पानी। ये देखिए पानी भरा गया है। ये लोग कुमार सार नदी अभी अब जस्ट बाहर निकलने वाले हैं। बाकी पानी इस बार बहुत चौचक था, इतना पानी पिछली बार नहीं था, इस बार तगड़ पानी था। अब हम लोग बाहर निकल गए हैं कुमार सार नदी से। वो देखिए पूरी कुमार सार नदी है, क्या घूम रहा है जी, ये सब क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखिए हम लोग पहाड़ के पास पहुंचने वाले हैं रसगुल्ला पार्क पास। यहाँ से पहाड़ दिखना कल का शुरू हो गया है। नलेबिया मोड़ पहाड़ रसगुल्ला पहाड़ सब देखिए पास है, तो सब लोग निकल रहे हैं समय से। तो हम लोग रसगुल्ला पहाड़ पे जाने के लिए जो पहले पहाड़ चढ़ना पड़ता है वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं और फिर आगे चल के रसगुल्ला पहाड़ पे आपको देखते हैं। इस बार रसगुल्ला मिलता है कि दही वड़ा मिलता है वहाँ ही जाने, क्या मिलता है वो भी दिखाएंगे। और चलिए पहाड़ दिखाते हैं जो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। यहाँ से असली रिस्क शुरू होता है, असली ताकत अब लगेगी चढ़ने में। ये देखिए इधर पूरा खेत खेत है, इधर भी खेत खेत है। अब इधर ऊपर चढ़ेंगे हम लोग, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, सब लोग आराम से चढ़ेंगे और आराम से जल चढ़ाएंगे बाबा भोलेनाथ के। कत्तो रुको, कत्तो ना रुको, अब सीधा मैं पहाड़ आ गया है, रुको मत। चलो देखो पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, अभी नहीं दूर है, आ गए हो, रुको मत, बाबा भोलेनाथ की कृपा है। पहाड़ पे चढ़ने से पहले एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। अरे बाबा ये देखिए जन्नत में आ गए हम लोग, जन्नत पे आ गए हैं। पहाड़ दिखाते हैं आपको, ये येवड़ी बाबा, ये क्या है, वो देखिए उधर खाई है, लेकिन चलते खाई तरफ दिखाते हैं आपको अभी, रुकिए।
भाई साहब हमें पता नहीं कहाँ लिया आगे चल रहे हैं, उधर खाई खाई सा दिख रहा है, फिर उधर ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए क्या ब्यूटी है। इस पहाड़ पे से निकल के अब जा रहे हैं हम लोग रसगुल्ला पहाड़ पे, वहाँ पे आपको रसगुल्ला दिखाएंगे, छोटे छोटे रसगुल्ले मिलते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। वन साइड में रसगुल्ला पहाड़ पे आपको एकदम तगड़ वाला व्यू दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। हाँ आ चुका है रसगुल्ला पहाड़ पे जाने के लिए, यहाँ से अब चढ़ाव चढ़ना पड़ेगा बड़ी जोड़े वाले। यहाँ पे देखिए सब लोग पत्थर लगा रहे हैं, कि पत्थर लगाने का मतलब है कि हमारा घर बन जाए, यही है इसका, इसलिए सब लोग यहाँ पे पत्थर रख के जाते हैं। देखिए अब चढ़ने में असली मजा अब आएगा, ऊपर में अब आ गई है सीढ़ी, एकदम सीधी सीधी सीढ़ी, अब चढ़ने में और मजा आएगा, चलिए चढ़ते हैं। बोल बम फाइनली सीढ़ी चढ़ गए, पूरा पसीना सा हो गया एक सीढ़ी चढ़ने में। अभी एक और है, एक और चढ़ना है, धीरे धीरे चढ़ेंगे। तो जैसे आपको बोल रहा था कि रसगुल्ला पहाड़ आने वाला है, तो देखिए रसगुल्ला पहाड़ आ गया है, अब उसके ऊपर चढ़ते हैं, बट उससे पहले दिखाते हैं क्या मिल रहा है रसगुल्ला पहाड़ पे। देखिए ये छोटे छोटे रसगुल्ला है, ऊपर जाके सब लोग खाएंगे, ये अंकल लोग बेचने आते हैं। ए किधर चलोगे, ये देखिए पहाड़ है ऊपर भाई, चढ़ना है बड़े आराम से, ये देखिए सब लोग चढ़ रहे हैं। चलो लोग रसगुल्ला पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, अभी और ऊपर चढ़ते हैं, और तगड़ा तगड़ा आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए नीचे का सब छोटा छोटा दिख रहा होगा, और ऊपर चलते हैं, सब लोग ऊपर जा चुके हैं तब आपको दिखाते हैं। अब देखिए कैसे चलते हैं, चलो 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 फटाफट, ये देखिए, अरे बाप रे। देखिए हम लोग पर रसगुल्ला पहाड़ में सबसे ऊपर आ चुके हैं, ये देखो 20 का 8 रसगुल्ला मिल रहा है, इतना सस्ता रसगुल्ला आप खाए नहीं होंगे कभी, हाँ आपने देखा ही नहीं होगा इतना बढ़िया रसगुल्ला, ये देखिए इतना प्यारा प्यारा इतना बढ़िया रसगुल्ला है, छोटा छोटा ये देखिए, देखिए खाने दो उसके बाद पानी पिएंगे। प्रदीप उधर डांसिंग हो रहा है, मारेंगे वहाँ खड़ा होके, कैसे मारते हो जी, यह देखिए कूद गए हैं, वाह ताली 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 जी। ये लोग आप लोग क्या करते हैं, ये हम जी ये क्या करते हैं, ये पत्थर को पत्थर चढ़ाने से क्या होता है, हम जी बताइए ना, अच्छा बताना नहीं चाहिए। देखिए अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और हम लोग बेगूसराय धर्मशाला पे हैं, खाना खाने के लिए रुके हैं, यहाँ पे मुफ्त खाना खिलाया जाता है, जैसे हमको थालियाँ भेज दी गई हैं, मुफ्त खाना दाल चावल जो भी बना हो लेकिन बहुत बढ़िया बनता है। अभी खाना आएगा तो आपको खाना भी दिखाएंगे कि कितना स्वादिष्ट खाना मिलता है, अगर आप बोलबम जाते तो इस बेगूसराय धर्मशाला में एक बार जरूर रुके। हमको खाने के लिए दाल चावल सब्जी मिला है और हम खा रहे हैं एकदम, अब खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग को भुजिया मिल गया, इनको भुजिया मिला ही नहीं। देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और अब पूजा वूजा करने की समय हो रही है, तो आप देखे बैठे हैं एकदम तगड़, और इधर देखिए अब पूजा करेंगे फिर आगे के लिए निकलेंगे, आज गुड़वारी नदी पहुंचना है, देखिए रात तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कवर की पूजा करेंगे और जो कुछ भी होगा फिर आगे के लिए निकलेंगे, मोबाइल चार्ज नहीं है इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं कल आपसे।